हेलो 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 जी सनम, हम आ गए फिर वही रेसिपी लेके। वही रेसिपी इसलिए, हाय हाय मैंने गाना गा दिया, सब लोग शुरू में ही भाग जाएंगे, कोई रेसिपी नहीं देखेगा। नहीं, मेरा खाना मेरे गाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है। ये रेसिपी मैं दोबारा बना रहा हूँ, इसलिए बोला गाना गा रहा हूँ, पहले बना चुका हूँ। लेकिन हमारी टीम ने बोला कि शायद वो फोटो अच्छी नहीं है यार, आप मतलब इतने मिलियंस ऑफ व्यूज हो गए, इतनी गंदी सी फोटो है वो। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर ब्रार। अच्छी फोटो के लिए बढ़िया सा ग्रेवी वाला मंचूरियन बनाने के लिए हो जाइए तैयार। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। कॉलिंग एंड एक्शन। तो जी, जिसको जिसको लगता है मंचूरियन से डर, तो जी बेसिकली मेरा जो एक काम है ना, वो डर भगाने का भी है। ये मुश्किल मुश्किल डिशेस जिनके मुश्किल मुश्किल नाम होते हैं, वो हम आधे टाइम सिर्फ रेस्टोरेंट में जाके इसलिए खाते हैं कि भाई नाम बड़ा खतरनाक है। तो मेरा काम जो है वो डर भगाने का है। तो मंचूरियन मंचूरियन सुन के डरिएगा मत, बेसिकली चाइनीज कोफ्ता है, ठीक है ना? वैसे कोफ्ते में सब्जी जाती है, वैसे मंचूरियन में भी सब्जी जाएगी। सब्जी देखिए कितनी सुंदर सुंदर, एकदम स्टूडियो टाइप की सब्जी बाहर सामने खड़ी हुई है। तो एक तो यहाँ आप ऐसे शान मार के चॉपर चला लो, एकदम शानो शौकत के साथ, ठीक है? दूसरा, अपने अंदर का पंजाबी जगाओ, कद्दूकस लेके आओ। देखिए जिंदगी में वैसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, कुकिंग को प्रॉब्लम ना बनाएं, कीप इट सिंपल। थोड़े बड़े और थोड़े छोटे दोनों किस्म के कद्दूकस कर लेता हूँ मैं। बड़े वाले से चंकीनेस आएगी और छोटे वाले से बॉडी मिलेगी। देखो जी, अगर आपको चाहिए हमारा ये कद्दूकस, शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, वैसे बोल रहा हूँ, मेलबर्न से खरीदा था, इंडिया में नहीं मिलेगा। बिन्स को एकदम बारीक बारीक काट लें, ठीक है? देखिए जितना बारीक से बारीक आप काट सकते हैं काट लिए। मॉरल द स्टोरी क्या है? मॉरल द स्टोरी ये है कि ये जो अपना चाइनीज कोफ्ता है, जिसकी हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको बताऊंगा, सब्जियों के टेक्सचर के ऊपर इसकी गाड़ी चलती है। हम जब मलाई कोफ्ता बनाते हैं तो हमें लगता है एकदम प्लेन और एकदम मखमली होना चाहिए, ये मखमली नहीं होना चाहिए, इसमें सब्जियाँ आनी चाहिए मुँह में, वही इसकी मोनोपोली है। इंडियन चाइनीज खाना जो है उसके तीन पहिए होते हैं, और वो तीन पहिए जो हैं कहीं भी चले जाएँ आप, वो वही रहते हैं। वो पहिए होते हैं गोभी, गाजर और बीन्स। तो दो पहिए हम अपने ऑटो में डाल चुके हैं, तीसरा पहिया हम डाल देते हैं। मतलब ये जो है ना, अपने आप में एक किस्म से आप समझ लीजिए कि थीसिस का विषय, कि कैसे इंडियन चाइनीज़ जो निवासी थे जब हिंदुस्तान आए 1850s में, तो एक एक इंग्रेडिएंट को कैसे सब्स्टिट्यूट कर लिया। हम आजकल बोलते हैं ना कि नहीं, ये तो ऑथेंटिक है, ये तो ऐसे ही बनना चाहिए। हाँ, जैसे सोयाबीन पेस्ट जो है वो चना दाल पेस्ट से रिप्लेस हो गया। तो आज मीठे बन जो बनते हैं, वहाँ पर आप टेरेटरी बाज़ार चले जाएं, वहाँ पर मिलते हैं, उसमें सोयाबीन पेस्ट की जगह चना दाल पेस्ट। उसके बाद चाइनीज़ कैबेज जो है अपनी बंद गोभी से रिप्लेस हो गई। हम में से वो लोग जो ऑथेंटिक ऑथेंटिक की गुहार बार बार लगाते हैं, उनको एक बार टेरेटरी बाज़ार जाना चाहिए, सुबह सुबह नाश्ता करना चाहिए। 150 साल में एक नए किस्म का ऑथेंटिक खाना कैसे ईजाद हो जाता है वो देखना चाहिए। और सिर्फ वही नहीं, अगर आप देखें सोया सॉस को कैसे, सोयाबीन तो हिंदुस्तान में मिलती नहीं थी, कैसे गेहूं से, बार्ले से, चावल से सोया सॉस बनाया जाता था, फिर कैसे एक्सो सॉस, होइसिन सॉस और वो तमाम चाइनीज सॉसेस को हमने सस्ते में और हिंदुस्तानी इंग्रेडिएंट्स के साथ क्रिएट किया ऐसे कि आज उनकी ऑथेंटिक रेसिपी 150 साल बाद। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहली रेसिपी बताई थी, उसमें बोला था कि इसको सबको अच्छे से मिक्स करिए, उसके बाद इसमें नमक डालिए, नमक के बाद जब पानी छोड़ेगी सब्जी वो पानी फेंक दीजिए, और उसके बाद बढ़िया से कोफ्ते बना लीजिए। लेकिन यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट। अब क्योंकि मैं अगर यही रेसिपी 3 साल बाद बना रहा हूँ, तो उसमें अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा और उस चीज़ को आपके लिए सिंप्लीफाई करने का तरीका वो भी डालूंगा ना, तो इसलिए इस बार नमक वमक ला के छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार में ही आपको क्या बोलते हैं उसको, रामबाण दे देते हैं। तो ये जी हमने ले ली 3 स्लाइस ब्रेड, ये गई ब्रेड इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, अब इसके अंदर जाएगा नमक। अब जी बस इसको लेना है, तमाम चीज़ों को सम्मिश्रित कर देना है, मिश्री नहीं डालनी। ये हिंदी मीडियम में जो पढ़े हुए हैं ना हमारे ऐसे, उनको सबको पता है, हमारे घर में हैं कुछ एकदम बॉम्बे के लोग शहरी, उनको बोल दो सम्मिश्रित तो मिश्री लेके आ जाएंगे। और ये जो सम्मिश्रित होने के बाद ये जो मिश्रण बनेगा, इस मिश्रण को 5 मिनट के लिए छोड़ दें। प्रोग्राम बढ़ाते हैं आगे, जितना बारीक आप चॉप करना चाहें कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले बोला था, अगर आप सॉल्ट डाल के सब्जी को छोड़ रहे हैं, तो उस केस में
जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए, लेकिन चॉप जिंजर और चॉप चिली मत डालिए वरना उसका भी सारा टेस्ट निकल जाएगा। तो सब्जी में सिर्फ नमक डालिए, काफ़ी सारा डाल दीजिए चाय, और उसको छोड़ दीजिए 15 मिनट। उसके बाद सब्जी को यूँ निचोड़ लीजिए, तो वो जो एक्स्ट्रा पानी है, नमक है, वो निकल जाएगा। उसके बाद चॉप चिली चॉप जिंजर डालिए, चॉप कोरिएंडर, चॉप चिली, चॉप जिंजर। फ्लेवर लूज नहीं करना है ना, वाटर लूज करना है, ठीक है। इसमें डालते हैं वाइट पेपर पाउडर, ठीक है। लेकिन फिर भी हो जाएगा कि रणवीर अभी शेफ गिरी मत दिखाओ, वाइट पेपर हम कहाँ से लाएंगे? नो प्रॉब्लम, काली मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर डाल दो। हैंगअप्स नहीं होने चाहिए खाना बनाने में। जो ब्रेड ने दो काम किए हैं, एक तो ब्रेड ने जो एक्स्ट्रा पानी था वो खींच लिया है, दूसरा ब्रेड की वजह से वो स्पॉन्जीनेस आएगी, राइट। और वो जो स्पॉन्जीनेस है वो हमारे मंचूरियन को एक टेक्स्चर देगी जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा टेक्स्चर जो है वो मैदे से आएगा, मैदे के ग्लूटन से आएगा। 3 भाग मैदा, 1 भाग कॉर्नस्टार्च। जैसे मैदा ब्रेडीनेस के लिए, कॉर्नस्टार्च क्रिस्पीनेस के लिए, ठीक है जी। अब कोफ्ते में राइस देने के लिए डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डाल लीजिएगा। देखिए कुछ लोग अंडा भी डालते हैं, अगर आप चाहें तो अंडा डाल सकते हैं, अंडे से भी वो राइस आता है। थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मतलब 5 भाग बेकिंग पाउडर है तो सिर्फ 1 भाग बेकिंग सोडा। और अगर आप डबल एक्शन बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, अगर आपके बेकिंग पाउडर के ऊपर लिखा हुआ है डबल एक्शन, तो फिर आपको बेकिंग सोडा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डबल एक्शन बेकिंग पाउडर में ऑलरेडी बेकिंग सोडा होता है। डबल एक्शन मतलब ठंडे में भी काम करेगा, गर्म में भी काम करेगा। ठंडे में बेकिंग सोडा काम करेगा, गर्म में बेकिंग पाउडर काम करेगा। देखिए डबल एक्शन भी बता दें मैंने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। अब यहाँ पर अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं इसको, जैसे आर लिटिल बिट ऑफ सेसमी, सर्दियों में क्या है, तिल गर्मी देता है शरीर को, बड़ा अच्छा जाता है। अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं, तिल नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए, ग्रेवी में भी तिल डाल सकते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि तिल जो है उसकी तासीर भी गर्म होती है, उसका टेक्स्चर जो है वो क्रंची होता है, और उसका फ्लेवर जो है वो नटी होता है। तो गर्म तासीर, नटी फ्लेवर और क्रिस्पी टेक्स्चर का जो कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल करें चाइनीज़ खाने में, क्योंकि चाइनीज़ खाना जो है वो सिर्फ टेक्स्चर्स का खेल है, ठीक है जी। ब्यूटीफुल, इतना बड़ा बना लीजिए हैं, और पहले ट्रायल कर लीजिए एक, ताकि बेइज्जती टाइट ना हो। कभी भी कुछ भी फ्राई करें, जिंदगी में हमेशा याद रखिए, पकोड़े से लेकर, मंचूरियन से लेकर, कोफ्ते से लेकर, समोसे से लेकर, कटलेट से लेकर, कचौड़ी तक, एक पीस हमेशा पहले सैम्पलिंग में फ्राई करें। जितने बड़े मर्जी शेफ हो जाएं आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने सेट कर लिया तो फिर सेट हो जाएगा मामला, वरना एक में नमक ज़्यादा, सब में नमक ज़्यादा, एक में नमक कम, सब में नमक कम, एक रेज नहीं हो रहा, सब रेज नहीं हो रहे, एक फट गया, सब फट गए, ठीक है। हेलो, देखो बढ़िया, थोड़ा साइज़ भी बड़ा हो रहा है, देखिए क्यों, क्योंकि अंदर जो बेकिंग पाउडर डाला है कुछ तो करेगा ना लाइफ में, ये देखिए। नमक भी है, मिर्च भी है, मसाला भी है, मेरा प्रिय मित्र धनिया भी है। अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या करें, 2 स्लाइस ब्रेड और डाल दें। अच्छा एक चीज़ और, अगर आपको तेल का हिसाब नहीं है, तेल गरम ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये अंदर से कच्चा रह सकता है, ठीक है। तो उसके लिए एज ए हैबिट इसको हाफ डन कर लें, मतलब 2 बार में फ्राई करें, एक बार फ्राई करके निकाल लें, जब आपको लगेगा भी कच्चा है फिर दोबारा फ्राई करें, तो अंदर तक ऑटोमेटिकली पक जाएगा। एक बार साइज समझ लेते हैं, उसके बाद सिर्फ कॉपी पेस्ट करना रह जाएगा बस। ये जो ब्रेड ट्रिक है ना, इट वर्क्स ब्यूटिफुली। ब्रेड से क्या होता है, अंदर से स्पंजीनेस आती है और बाहर से क्रिस्पीनेस आ जाती है। आप देखेंगे जब फ्राई होगा ना, ये एकदम क्रिप्सी क्रिप्सी, फुल ऑन क्रिप्सी। देखिए क्योंकि सब्जी जो है एंड तक पानी छोड़ती रहेगी, तो अगर आप पहले से बना रहे हैं मंचूरियन तो उसको लास्ट में एक बार फिर से गोल करके फ्राई कर लें, वरना वो चपटा हो जाएगा। और कायदे से ऐसे गोल गोल करने की ज़रूरत नहीं है, एक हाथ से गोल करते रहें, दूसरे हाथ से तेल में डालते रहें, वो भी चलेगा। अब देखिए बिंदास मैं ऐसे कॉन्फिडेंस में क्यों डाल रहा हूँ, मैं बिंदास ऐसे कॉन्फिडेंस में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रायल कर चुका हूँ, इसलिए एक हमेशा तल के देख लीजिए, ठीक है। वरना आप बनाने जाएंगे मंचूरियन, बन जाएगा हलवा, तेल में जाके फटेंगे बम, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। ये देखिए ये हाफ डन स्टेज में निकाल लेते हैं। हाफ डन स्टेज में निकालने से क्या है, जो इसके अंदर की गर्मी है वो अंदर तक जाएगी, पकता रहेगा। खासतौर अगर आपका मिक्सचर ठंडा है, अगर आपने मिक्सचर फ्रिज में रख दिया है ना, तो उसके बाद अगर आप निकाल के फ्राई करें तो डेफिनेटली उसको डबल फ्राई करिए। टेक्सचर देखिए कितना अच्छा है, मतलब इसे देख के लग रहा है कि सब्जी अंदर जो है वो क्रंच देगी, राइट। बस खेल सारा टेक्सचर का है साहब।
अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, इसको हम स्टेज पे रख सकते हैं, मतलब आप जिप लॉक बैग में डाल दीजिए, हवा ना लगे और 15 दिन 1 महीने तक कुछ नहीं होगा इसको। तीसरी चीज़, इसको हम ऐसे ही हाफ डन करके उसके बाद दोबारा एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में बेक भी कर सकते हैं, दोबारा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। चौथी चीज़, अगर आप चाहें तो शुरू से ही एयर फ्राई कर सकते हैं, अगर आपको कम ऑयल वाली चीज़ ज़्यादा पसंद है। मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ कि एक बार फ्राई कर लो, दूसरी बार एयर फ्राई कर लो, हैं, क्योंकि वो जो जायका है ना वो फ्राइंग का है, साफ किया ना सफी रहना। भाई बेसिकली क्या हो गया, हीट जो है अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो अब जब आप फ्राई करेंगे तो बराबर से चीज़ पकेगी। देखिए रंग ज़्यादा नहीं देना, मतलब सॉस भी काला मंचूरियन भी काला वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, थोड़ा गोल्डनिश में रखिए। अगर आप सोया सॉस डाल रहे हैं तो काला हो जाएगा, अंडरस्टैंडेबल है। ये हो गया जी फाइनल मामला, खूबसूरत सी फोटो देख लीजिए इसकी, उसके बाद बनाते हैं मंचूरियन ग्रेवी और फिर मामला ख़त्म, फिर खाएंगे मज़े से। जैसा मैंने पहले कहा है, चाइनीज़ खाने में पकाने से ज़्यादा काटना आना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कटिंग वटिंग पहले कर लीजिए। तो सॉस की कटिंग कर रहा हूँ, है चॉप गार्लिक, चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिली और हरा प्याज। अच्छा दूसरा क्या है ना, अगर मंचूरियन में आपको लगता है कि सॉल्ट ज़्यादा हो गया है तो सॉस में सोया सॉस कम कर दें, क्योंकि सॉस जो है वो अंदर तक जाएगा ना मंचूरियन के, तो मंचूरियन का नमक खींच लेगा वो। चाइनीज़ खाना मतलब सबसे पतला बर्तन और सबसे बड़ी गैस। चाइनीज़ खाना मिलिट्री हीट में पकता है, मैं कितनी बार भी बोल दूं लेकिन फिर वही गलती करते हैं हम, मोटी कढ़ाई लेके और फिर सबसे छोटे चूल्हे पे चाइनीज़ खाना बनाते हैं, फिर वो सब ऐसा कुछ अजीब सा हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि रणवीर बताता नहीं। ऑयल देखिए, आमतौर पर मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक काम करिए, जब ही भी घर पे बना रहे हैं तो सारे सॉस मिक्स करके अपना सॉस रेडी कर लीजिए, बट मंचूरियन में ज़्यादा सॉस मिक्स करने ही नहीं पड़ते, सिर्फ सोया सॉस होता है, अगर चाहें थोड़ा केचप, नहीं तो सोया सॉस में ही शक्कर और विनेगर डाल दी जाती है। सोया सॉस यूज़ करिए एकदम गाढ़ा वाला, हाँ देहाती वाला। थोड़ा सा स्टॉक, पानी भी डाल सकते हैं, मतलब ये बहाना चलेगा हमारे पास स्टॉक नहीं, हम कैसे बनाएं। शक्कर, विनेगर और ये ऑप्शनल है, अगर आपको मिर्ची की किक देनी है तो थोड़ा सा रेड चिली सॉस डाल दीजिए, या अगर वो हॉट सॉस है ना आपके पास वो डाल दीजिए थोड़ा सा बिल्कुल। और जो सब्जी आपने काटी है ना मंचूरियन के लिए, उसका जो वेस्टेज है वो ले लीजिए सारा, गाजर के छिलके, गोभी का डंठल, ट्रिमिंग्स, वो सब लेके उसी को पानी में उबाल दीजिए, धीरे धीरे वही स्टॉक हो जाएगा। ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है स्टॉक बनाना, है ना, आजकल हम उसको ज़ीरो वेस्ट किचन बोल देते हैं। अब कुछ नहीं करना, अब बस ये देखिए सॉस क्या, अभी क्या है इसको थोड़ा सा पकाना है और थोड़ा स्टॉक में और डाल रहा हूँ, क्योंकि मंचूरियन जो है वो सॉस पिएगा, ग्रेवी पिएगा, तो ग्रेवी जो है वो सारी ड्राई हो जाएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, इसलिए ग्रेवी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ मैं। मंचूरियन सॉस का जो बेस है वो सोया सॉस होता है, और मंचूरियन जो है चाइनीज डिश नहीं है, चाइनीज़ में मंचूरियन जो थे वैसा कुछ नहीं था, मंचू किंग्स थे जिनका नाम लेके हमने ये डिश बना दी इंडिया में, ये इंडियन चाइनीज़ डिश है, इसमें इंडियन चाइनीज़ सोया सॉस जाएगा जो बहुत गाढ़ा होता है, काला होता है, इसलिए मंचूरियन का जो सॉस है उसका कलर डार्क होना चाहिए। अगर आप फोटोग्राफी के लिए YouTube वीडियो की फोटोग्राफी के लिए देख रहे हैं और वहाँ पे आपको लाइट सॉस दिख रहा है तो सिर्फ इसलिए कि उनको फोटो अच्छी चाहिए थी, जैसे मेरे पे बहुत प्रेशर डाला जा रहा है यहाँ पर कि सोया सॉस कम डालो फोटो अच्छी नहीं आएगी, फोटो साइड में रखिए ठीक है। अगर आप मंचूरियन बना रहे हैं तो बेस में काला वाला गाढ़ा वाला सोया सॉस ही जाना चाहिए। चलो मंचूरियन डालते हैं हम, ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा वक्त देना है इसको, एकदम से इसके अंदर कॉर्नस्टार्च अरारूट नहीं डालना है ठीक है, अरारूट ही मैंने पानी में घोल रखा है देखिए, लेकिन थोड़ा सा मंचूरियन को सॉस में पकाना है ताकि सॉस अंदर जाए, एक बार आपने कॉर्नस्टार्च डाल दिया सॉस गाढ़ा हो जाएगा अंदर नहीं जाएगा राइट। तो यहाँ पर क्या है, आप चाहते हैं कि मंचूरियन थोड़ा सॉस पिए, फील क्या है कोफ्ते वाला है ना, देखो उबाला आ गया, थोड़ा थोड़ा जो है मामला पीना शुरू कर दिया। अब इसके अंदर डालेंगे जी अपना कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर, कॉर्नस्टार्च, अरारूट जिसको हमने घोल रखा है पानी में। देखिए कई बार जो है कॉर्नस्टार्च ज़्यादा प्योर होता है, कई बार नहीं होता है, तो यह आपको गाढ़ापन देखना पड़ेगा, इसे धीरे धीरे कॉर्नस्टार्च डालिए, एकदम से मत डाल दीजिए। कई बार कॉर्नस्टार्च जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी क्वालिटी का होता है, थोड़ा सा ही डालते हैं गाढ़ा हो जाता है मामला। तो जी कहानी कुछ यूँ है कि 1644 से लेकर 1911 तक चाइना पर एक बहुत काबिल डायनेस्टी ने राज किया, मंचू डायनेस्टी, जो कि किंग डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती, QUING, और वो जो थे
चाइनीज की सिविलाइजेशन को, चाइनीज कल्चर को आगे बढ़ाने वाले थे। आज भी ये कहा जाता है कि मंचू डायनेस्टी ने मंचू लैंग्वेज बनाई। सबसे ज़्यादा पोएट्स, फिलोसोफर्स, स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस, ट्रैवलर्स मंचू समय में रहे। आज का चाइना बहुत कुछ मंचू डायनेस्टी को ओ करता है। दे हैड द बिगेस्ट चाइनीज किंगडम एवर, यानी कि आज की चाइना की सभ्यता, आज के चाइना के आर्किटेक्चर का उनसे बहुत कुछ लेना देना है, लेकिन चिकन मंचूरियन, वेज मंचूरियन का उनसे कुछ लेना देना नहीं है। द मंचूरियन डायनेस्टी नेवर एट समथिंग कॉल्ड द चिकन मंचूरियन, उन्होंने कभी चिकन मंचूरियन नहीं खाया था। ये जो है हमारे टैंगरा की, चाइना टाउन की इजाद है। और इसको बार बार ऑथेंटिक चाइनीज बोल के ऑथेंटिसिटी का जामा पहनाने से मुझे ये लगता है कि जो इंडियन चाइनीज खाने की ऑथेंटिसिटी है, हम उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई बोले कि मंचू ऑथेंटिक चाइनीज़ है और मंचू किंग्स वो खाते थे, तो आप बोल दीजिएगा नहीं, ये हमारा ऑथेंटिक इंडो चाइनीज़ है, बिकॉज यू नो बेटर। Nice. देखिए सब सही हो गया, टेक्सचर भी सही हो गया, कलर भी सही हो गया। और टेस्ट तो कमाल हो गया। मतलब वाह, इस स्टोरी के तीन मॉरल है। सबसे पहला, सब्जी का क्रंच आना चाहिए। दूसरा, सॉस खट्टा मीठा चटपटा होना चाहिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी, सॉस में ताजगी बहुत ज़रूरी है, अदरक हरी मिर्च धनिया और हरी प्याज की। ठीक, तो इसलिए अदरक हरी मिर्च धनिया हरा प्याज ऊपर से भी डालें, अगर आप घर पे बना रहे हैं तो वो फ्लेवर लॉस हो जाएगा। बस बाकी मेरी तरफ से इतना ही। विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये मंचूरियन केंद्र है। हमारी आज की सभा यही समाप्त होती है, अगली सभा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमें आगे दिए नमस्कार और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Still be more to give when there's no one else to blame.